अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आप सब ठीक हैं? हां जी अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या है? बच्चों का कुरान। और इसमें आज हम कौन सा मौजू करने लगे हैं? कैमल। कैमल क्या होता है? ऊंट। किसने देखा हुआ? किधर देखा? मैंने वीडियो में। वीडियो देखी? आपने किधर देखी? सच में किसी ने देखा हुआ? सच में थे। किधर? दूर में। नहीं वो तो वीडियो ही थी ना डॉन। आप सच में लाइव देखे? सच में तो मैंने देखा हुआ। पता कैसे देखा हुआ? जो ऊंट है ना वैसे तो अरब में होते हैं, तो हम तो अरब में नहीं रह रहे हैं, यहाँ तो ऊंट नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो ऊंट है ना बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो कुछ मैदानी इलाकों में जैसे गंदम की फसल जब काटते हैं ना तो वो ऊँटों को लेके आते हैं, उन्होंने ऊँट रखे होते हैं वो लेके आते हैं, तो वो काट के ना गंदम तो बहुत हैवी चीज होती है, तो कहीं लेके जानी होती है तो वो ऊँट पे लेके जाते हैं। और आपको एक और पता है, आपको ऊँट की कुर्बानी भी करते हैं हम, तब भी मैंने देखा हुआ है, किसी ने कुर्बानी के लिए लिया हुआ था तो तब भी मैंने देखा था। तो कैसा होता है वैसे, इसका नाम क्या होता है? पीला। पीला। ये कहाँ आपको? सहरा। कहाँ? सहरा में रहता है। अच्छा ये कुरान में भी इसका नाम आया है? हाँ जी। किस नाम से? जमाल। जमाल नहीं है, जामल। ठीक है, जुमला जैसे कहते हैं, जामला कहते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये नाम जो है ना कुरान में वैसे कितनी दफा आया है? आठ दफा आया है। लेकिन आठ दफा में इसका बराह रास्त नाम नहीं आया, कुछ में इशारे आए हैं लेकिन सही नाम भी आया है। और सबसे ज्यादा इसका सही नाम आया है जो हम आज की जो हमारी आयत है, मौजू की आयत है, उसमें आया, और वो है सूरह गाशिया में, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है? अभी हिफ्ज कर रहा हूँ सूरह गाशिया का। अच्छा सूरह गाशिया में अल्लाह ने पता क्या कहा? क्या ये ऊंट पे गौर नहीं करते? पहले हम आयत पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसमें अल्लाह ताला ने क्या हमें कहा। ठीक है, चलो मोहम्मद मोहसिन आप पहले हमें आयत पढ़ के सुनाएंगे, हम गौर से सुनेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी ना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चले बच्चों सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن أنت شروط جنهات مهربان هم شرهم في المنظرة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ترجمة كي يه لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन, आपने इतनी प्यारी आयत तिलावत की। और इसमें देखिए हमने एक और नाम पढ़ा है इसका, इसमें उनका नाम इबिल आया ना, है ना, इबिल ही होता है। ठीक है, क्योंकि अरबी में हर चीज़ के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा इसमें अल्लाह ताला ने कहा है, क्या आपने नहीं देखा हमने ऊँट को कैसे तहलीक की है? आप जरा बताएंगे ऊँट कैसा होता है, आपको देखने में कैसा लगता है, गौर किया आपने उस पर कैसा होता है? एक चार चार होती हैं। और उसकी गर्दन कैसी होती है? गर्दन बहुत लंबी, इतनी लंबी गर्दन। पता क्यों होती है इसकी लंबी गर्दन? अल्लाह ताला ने जो भी चीज पैदा की है ना, और जहाँ उसको बसाया है, यानी उसको जहाँ पे रहने के काबिल बनाया है, अल्लाह ताला ने उसकी चीज जिस्म के अजाब भी उसके मुताबिक बनाया है। उसकी लंबी गर्दन पता क्यों है? जराफे की भी लंबी है, क्यों है? जराफे की इसलिए लंबी है कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों से टहनियां तोड़ के खा सके। और ऊंट भी सहरा में होता है, और सहरा में कुछ तो जड़ी बूटियां होती हैं, वो दूर दूर होती हैं, वो दरख्त भी ऊंचे होते हैं, उनसे पत्ते भी तोड़ के खा सके। लेकिन इसकी लंबी गर्दन इसलिए भी होती है कि इसने पानी पीना होता है, और इसने पानी पता कितना पीना होता है? खूब पेट भर के। क्यों? जब इसको पानी मिलता है ना, ये बहुत सारा पानी पी, और पता है कि इसकी टमी के अंदर ना एक टैंक होता है ना, अगर उसको भर दे तो एक महीने जितना वो जिंदा रहते। जी एक महीना पानी पी रहा है। ऐसे होता है जी, वैसे होता है लोग कुछ माने।
सामान उसकी बैग हम देखे उसकी कमर कैसी होती है ऐसे पहाड़ की तरह लगता है जैसे दो पहाड़ है क्योंकि दो पहाड़ वाली होती है कि लगता है ना पहाड़ है कितना अजीब सा है लेकिन उसकी ये अजीब जो शक्ल है ना इसमें भी इंसान का फायदा है क्यों कि आसानी से इसके ऊपर कुछ जो भी रखा हो बैठना हो लोग ना पता है इसके ऊपर क्या रखते थे वो जो होती है ना छोटी छोटी सी जैसे आप कैंप बनाते हो छोटे छोटे से इस तरह की पालकी होती थी डोलियां होती थी वो उसके ऊपर पूरी औरतें बैठती थी ना जब सफर करती थी तो वो पूरा बॉक्स सा बना होता है छोटा सा एक कैंप वो उसके अंदर बैठते हैं तो उसके ऊपर बैठ के ना तो उसको उठा के जो आदमी होते हैं ना वो पालकी उसको ऊंट के ऊपर रख देते हैं बॉक्स और औरतें अंदर मजे से बैठी होती है कितना मजा ना मगर आप उधर होती तो आप बैठती है आपको अच्छा लगता है आदमी तो ऐसी ऊंट पे बैठ जाते हैं ना लड़कियों के लिए वो प्यारा सा हाउस बनाया होता उन्होंने अच्छा इसकी आपने और एक चीज नोट की है ये सहरा में होता है ना तो सहरा में कितने तूफान आते हैं आपको पता है ना और तूफान किस चीज के आते हैं वो किस चीज की क्या उड़ता है उसके साथ वो पत्ते पत्ते तो नहीं होते मिट्टी मिट्टी कौन सी रेत रेत उड़ती है ना इतनी तेज और जब वो हवाएं चलती है ना तो आंखों के अंदर जाके पड़ती है तो आपको पता है अल्लाह ताला ने इसको कैसे महफूज किया है अल्लाह ताला ने इसकी लंबी लंबी पलके बनाई है आपने उसकी पलके कभी देखी है गौर से देखी ये जो आई लैशेज होती है आपने देखी है कभी गौर से उसकी लंबी लंबी होती है जब तूफान आता है ना तो वो आपकी आंखों का ऐसे ऐसे थोड़ा सा बंद करता है खोलता है और आपकी आंख में कुछ पड़ने वाला हो तो आप आंख को कैसे करते हो करके दिखाओ ऐसे करते हो ना आपके ऊपर पलकी है ना छोटी छोटी सी लेकिन हमारी तो छोटी है क्योंकि हमें अल्लाह को पता है तकरीबन इतनी बहुत लंबी होती है हाँ इतनी लंबी लंबी और उसके नोज नोज में भी तो मुंह तो बंद कर लेते हैं नोज आपके नोज में कभी जाती है कोई चीज ऐसे उड़ती हुई जाती है ना तो आप क्या करते हो आप आगे हाथ रख लेते हो ऊंट तो नहीं रख सकता ऊंट को अल्लाह ने कैसे बचाया नोज में रेत जाने से नहीं उसकी नोज है लेकिन उसकी नोज के ये जो साइड पे थोड़ी थोड़ी सी गोश्त स्किन होती है ना वो इतनी बड़ी बड़ी है और लचक वाली है लटकती हुई है जैसे कपड़ा होता है ना तो जब वो आता है ना तो अपनी नोज को बंद करके दिखाओ ऐसे कर लेते अच्छा आपने आपको भी के लिए ये नहीं बात है ना आपने वो नोट की कभी पहले अच्छा किसी दिन ना इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना कि ऊंट अपनी नोज कैसे बंद करता है कितनी मजे की बात है ना तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कहा है क्या तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि मैंने ऊंट को कैसी अजीबोगरीब बनाया है महलूक मैंने और भी तो आते हैं और भी पढ़ते हैं अच्छा इसकी टांगों पे गौर किया अपनी टांगे क्यों लंबी होती है वो ज्यादा ऊंची है तेज चल सके रेत में और आपको मालूम है ऊंट की रेस भी लगाते हैं किसी ने ऊंट की रेस देखी हुई है अरबी जो है ना अरबी वो क्योंकि सहरा में रहती है ना तो उनके पास वो रेस खुद तो नहीं लगा सकते ना रेत में तो हमसे भागे नहीं जाता वो ऊंट की रेस लगाते हैं जैसे हम लोग इधर गाड़ियों की साइकिलों की रेस लगाते हैं ना ऐसे वो ऊंट की रेस लगाते थे और ऊंट ऊंट क्यों पता कितनी तेज भागते हैं ऐसे जैसे आपकी साइकिल भागती है ना साइकिल कितनी तेज चलाते हैं मोटरसाइकिल इस तरह तेज भागते हैं इसलिए अल्लाह ने उनको तेज आंखें दी हैं तेज लंबे लंबे टांगे दी हैं तेज आंखें दी हैं देख भी सकता है अच्छा इसकी आपने बात कर ली हमने टांगों पे भी कर ली खाने पे भी कर ली है बहुत दिन बगैर खाए और पिए रह सकता है आंखें इसकी पलकियां लंबी होती हैं और ये काफी बोझ उठा सकता है लेकिन इसकी एक आदत भी खराब आदत भी है आपको मालूम है क्या इसकी एक आदत बड़ी खराब है वो ये है कि ये अपने दिल में ना बड़ा किन्ना रखता है बोगस रखता है पता क्या करता है अगर इसका मालिक या कोई इंसान इसको तंग करे ना तो वो उस टाइम कुछ नहीं कहता लेकिन वो दिल में उसकी बात हमेशा रहती है और ये ना इस बात का भी जिक्र हदीस में आया कि किन्ना ऊंट की तरह किन्ना अच्छा वो पता क्या करता है एक उसके मालिक एक दफा की बात है कि एक ना एक ऊंट को ना उसके मालिक ने मारा था किस बात पे ना उसने उसको तंग किया था उसने ना उसकी बात को अपने दिल में रखा बड़े सालों के बाद ना एक दिन ऊंट को मौका मिल गया तो वो अपने मालिक को मारने लगा क्योंकि उसने उसको याद थी वो बात और उस आदमी को पूछा ना ये क्या हुआ तुम्हें तो कहता है ये ऊंट को एक दफा मैंने मारा था तो किस बात पे ये मुझे तंग कर रहा था तो इसने वो किन्ना रखा और इसका दुश्मन अगर इसको देखे ना इसके बच्चे किसी बच्चे को कोई तंग कर रहा है या तो ये दूर से देख ले दुश्मन है मेरा तो ये बड़े सालों के बाद वो कहीं इंसान उसको मिल जाए ना तो फिर उसके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करता है
इतना कीना रखता है, ये हमेशा बहुत अपने दिल में रखता है। अच्छा इसने एक दफा मेरे साथ ऐसे किया था, अब मैं अभी ऐसे करूंगा। आपको इस बात का पहले पता था? और सर्च करेंगे, करना चाहते हैं इस बात पे? कौन कौन सर्च करना चाहता है? चलिए ठीक है, हम मिलके करेंगे। चले मोहम्मद मोहसिन, इसके बारे में हमारे पास दो आयत और हैं, आप वो दोनों पढ़ दें ताकि हम लोग ना इसके बाद इन दो, वो जो दोनों बातें हैं ना वो इसकी ऊँट की आदत से मुतल्लिक नहीं है, वो किसी इसको ना एक निशान बनाया अल्लाह ने, सिंबल किसी चीज का बनाया ना, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है आप पढ़े, क्या है मुझे इधर एक सूरत मुरसला आता है और एक वाक्य, ये मुझे पता है। इधर क्या लिखा हुआ, गोया, वो गोया, गोया जैसा कहते हैं मसलन, जैसा कि वो कहते हैं ना जैसे, ऐसे लगता है जैसे, तो गोया जैसे लगता है गोया एक ऊंट हो, यूं भी लगता है गोया वो चिंगारियां जर्द रंग वाले ऊंट हो। चिंगारियां, हाँ वो चिंगारियां जो होती हैं ना निकलती हैं जैसे दूर से ऊंट होता है ना नजर आ रहा होता है, ऐसी लगती हैं। अच्छा ये मैं आपको बाद में, अच्छा चले देखे इधर, कहा आपका ध्यान, बस तुम सख्त प्यासे ऊंट के पीने की तरह पीने वाले हो। जी पहले कौन सा पढ़ना, सूरह मुरसलात या सूरह वाकिया? जो मर्जी पढ़ लो। चलो सूरह वाकिया आयत नंबर 55। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أنت شروع جنهاد مهربان هميشة رحم في مهربان فشاربون شرب الحين بس تم سفر في عسي أمك بيني كي تنهو بيني وله أو سورة المرسلات مبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك أمس شروع جنحة مهربان حمشة رحمان وراح سورة مرسلات عن نمبر 33 كأنه جمالة شوف ترجمة يوم بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन, जजाकल्लाह खैर, आपने इतनी प्यारी आयात तिलावत की हैं। और ये इन आयात में अल्लाह ताला ने बताया क्या बताया है, इन आयात में अल्लाह ताला ने दो जुहियों की दो हालतें बताई हैं। सबसे पहले वो जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप पार्क जाते हैं, दूर से आपको कोई नजर आता झूला तो आप भागते हो ना उसकी तरफ, है ना। जब दोजख की तरफ लेके जा रहे होंगे ना फरिश्ते, तो दूर से उन्होंने वो आग का शोला देखना, आग जो होती है ना दूर से पीली और ऊँट की तरह पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ सी नजर आ रही होती है ना, दोजगियों ने देखनी, अच्छा वो तो कोई ऊँट है, उन्होंने भागते हुए उस तरफ जाना है, आगे देखना तो आग शोले बरसाती हुई, जब उन्होंने पास पहुँचना तो फिर उन्होंने मायूस हो जाना। दूसरी सूरत जो आपने पढ़ी है प्यासे वाली, उसमें फिर क्या होना है, जब दोजगियों को बहुत प्यास लगी होनी है ना तो उन्होंने क्या करना है, उनको घोलता हुआ पानी मिलना है, दूर से उन्होंने देखना वो पानी मिल रहा है, शुक्र है। जैसे इफ्तारी के टाइम आपको पानी मिलता है आप शुक्र करते हो, कहा कैसे इफ्तारी करते हो, उस दिन आपने कैसी इफ्तारी की थी जिस दिन आपको बहुत रोजा लगा था? काउंटिंग कैसे कर रहा था, सेकंड कैसे गिन रहा था, पांच चार थ्री टू वन ऐसे कर रहा था ना, बस खुल गया और फिर दोनों चीजें इकट्ठी मुंह में, जब दोस्तों ने देखना ना अच्छा ये पानी मिल गया, इन्होंने दोनों चीजें, उन्होंने भागना है कि हम जल्दी से, उनको खाना भी साथ मिलना है ठीक है जैसे अफ्तारी के टाइम हमें मिलता है, लेकिन वो उन्होंने बहुत मायूस होना है, उन्होंने उसको पानी को ऐसे मुंह लगाना है जैसे ऊँट पानी को मुंह लगाता है, उनके चले बच्चों आप स्टोरी सुनेंगे ऊँट के बारे में, कौन सी कहानी का नाम आया कुरान पाक में, सालेहा अलैहिस्सलाम की कहानी में ऊँट का नाम आया, ऊँट नहीं है बल्कि वो ऊँट तो नहीं है ना, ऊँट नहीं है, वैसे और जगह पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने जोड़ों का नाम लिया, जहाँ पे जानवर ऊँट और ऊँटनी, गाय और बैल, इस तरह के जानवरों के ना जोड़ों के नाम लिए हैं, लेकिन अभी हम जो सुनेंगे उसमें एक ऊँटनी है और ऊँटनी ने क्या, ऊँटनी के क्या ये स्टोरी किस किस को आती है, कैसे शुरू होती है, इसमें क्या है, कौन बताएगा, थोड़ी सी बताया था हाँ, फिर मैं आपको आ, 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 आ,
हजरत सालिहा के एक कौम थे उधर, जो वो ना गए थे कि हजरत सुलेमान अल्लाह को हम तब मानेंगे जब आप हमें मौजजा दिखाएंगे। और उन्होंने क्या मौजजा मांगा था? मांगा था कि एक पहाड़ी उधर थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें से एक वो ऊंट निकालो, ऊंट निकलेगा। और ऊंट कैसा निकलेगा? एक ऊंट नहीं निकले जो हमारे सामने एक बच्चा भी पैदा करे, एक यानी ऊंटनी का बच्चा भी हो। फिर उन्होंने कहा कि ये ऊंट हमें ऐसा मौजजा चाहिए। कितने अजीब गरीब उन्होंने सोची ना कि कोई सोच सकता इंसान कि पहाड़ में से ऊँट कैसे निकल सकता है। लेकिन वो कहते थे अगर अल्लाह है वो सब कुछ कर सकता है, और वाकई अल्लाह ताला ने ये कर दिया है ना, उनके सामने आंखों के सामने ऐसे देख रहे हैं और एक ऊँट निकली है और वो बाहर आई है, उनको उस कौम के पास आई है और आकर उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया फिर एक बच्चा पैदा किया। तो फिर पता क्या हुआ? अच्छा, तो वो ऊँटनी ने उधर उनके सामने बच्चा दे दिया। अब इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये जो ऊँटनी है और इसका बच्चा है इसको छोड़ दो, जहाँ से मर्जी ये खाएं पिए। और आपको मालूम है ना कि हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की कौम जो है उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी थी, वो लोग बहुत ऊँचे लंबे मजबूत थे, पहाड़ों के घर बनाते थे, और उनको ना अल्लाह ताला ने फसलें और बागात बहुत ज़्यादा दिए थे, उनकी इतना ज़्यादा वो चीज़ें उगाते थे, सब्जियां अनाज। मुझे लग रहा है मैं कहूँ कि उनके ना हूँ इतने वो मोटे थे तो कि वो पहाड़ में वो पहाड़ों को त्राश त्राश थे, उनके घर बना लेते थे। तो फिर इसके बाद ना उनके पास जो इतनी ज़्यादा उनकी फसलें होती थी और खुशहाली थी, तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा चलो इसको छोड़ दो, अब ये जहाँ से मर्जी खाए और पिए। लेकिन उन ऊँट कैसे पानी पीता है? जब पानी पीता है तो सारे पी जाता ना, वो ऊँटनी भी ऐसे करती थी, उनके कुएं पे जाती थी पानी पीने, सारा ही पानी पी जाती थी, बच्चा भी पी लेता ना। और फिर वो जब वो खाना खाने जाती चारा चुगने, तो बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में कितने ज़्यादा खेतों में से खाती। दो तीन दिन कुछ दिन लोगों ने बर्दाश्त किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये कैसी ऊँटनी है, सारा पानी पी जाने लगी है, हमारे सारा कुछ खा जाने लगी, हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए ये। तो अल्लाह ताला ने उनको मना किया हुआ था कि इस ऊँटनी को कुछ ना कहना, लेकिन उन्होंने उसको ऊँटनी को कुछ ना कहा लेकिन उसके पाँव काट दिए, लेकिन ये ना चलेगी। पत्थर तीर नहीं बेटा, उनके ना कुंचे इनको कहते हैं, ये जो पाँव होते हैं ना उनके, वो काट दिए थे ताकि ये चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं तो खाएगी नहीं। फिर अल्लाह ताला उनसे बड़ा नाराज़ हुआ, पता है क्यों? अल्लाह ताला कहता है जब कोई कौम मौजज़ा मांगती है ना तो फिर मैं देता हूँ, यानी कि देखो कितनी ऐसी बात है जो किसी को लगता ही नहीं हो सके और फिर हो गई, तो फिर भी लोग ना माने, फिर भी ना। और ये क्यों नहीं था उन्होंने बर्दाश्त किया कि अल्लाह ताला ने तो सारा कुछ उगाना था, पानी भी कुएं का अल्लाह ने भरना था, है ना? ऐसे ही है ना, जो चीज़ अल्लाह ताला देता है बेहिसाब देता है, अगर इंसान सब्र करे बर्दाश्त करे। उन्होंने सब्र ही नहीं किया, फिर अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब भेज दिया और उन पे जलजले पत्थरों की बारिश और सारा कुछ हुआ, तो वो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। चलें बच्चों, अब वक्त हो गया है आज आपकी ड्राइंग का, आज तो आप लोगों ने ड्राइंग में बनाने में बहुत वक्त लगाया और आज तो आपको स्टोरी से भी ज़्यादा इसका मज़ा आ रहा था। जी ये बनाया था ना, ये था ये क्या बनाया आपने? एक सहरा में ऊँट जा रहा है फिर। अच्छा, ये आपने वो चीज़ बनाई है जो हमने सबसे पहले आयत पढ़ी थी कि आपने ऊँट पे गौर नहीं किया कैसे अल्लाह ने पैदा किया। जी, और इधर सहरा कैसा होता है? रेत ही रेत, सूरज भी निकलता है शाम के वक्त। और ये ऊपर आपने ये ग्रीन कैक्टस बनाया, कैक्टस थोड़ के दर। अच्छा, ये पौधे ज्यादा होते हैं ना, और खजूर भी तो होती है वो नहीं ना, खजूर। चले नेक्स्ट टाइम। और ये जो वो पहाड़ से ऊँटनी निकली थी। अच्छा, ये आपने कहानी वाली ड्राइंग बना दिया था है, ये तो बहुत प्यारी। मैंने भी बनाई है। चले आप भी। ये जो ऊँटनी चल रही थी और एक लोग उसके पीछे कपड़े लेके ज्यादा खरीदते थे। अच्छा, ये ज़ैनब ने तो वो वाली ड्राइंग है ना, वहाँ पीछे करके दोनों हाथों से। अच्छा, ये ज़ैनब ने तो वो वाली ड्राइंग बनाई है जो अभी मैंने बात बताई थी ना कि ऊँट पे लोग बैठ के जाते थे और औरतों को एक प्यारी सी पालकी में बिठा के लेके जाते। अच्छा, ज़ैनब को ये बात बड़ी मजे की लगी है। ज़ैनब आपको चाहिए
क्या आपके ऊंट के ऊपर एक छोटा सा वो बना वो गाड़ी की तरह का? मैंने भी अब मैं के कैसे हो? अच्छा सहरा भी बनाया आप, इतनी सारी ड्राइंग आज आपने बनाई है, बहुत शुक्रिया। आज के आपको खाने लगता है बहुत मजे की लगी है ना? और ये मैंने स्केच भी बनाया। ये आपने गाड़ी का स्केच बनाया, ये भी बहुत प्यारा बनाता। हाँ आप तो बहुत कुछ कर रही हो, चैलेंज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने बनाया चैलेंज। ये आइसक्रीम वाली गाड़ी है जी। चलो जी बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मज़े की चीज़ें बताई, ड्राइंग दिखाई और हमारे साथ बहुत सारा अपना नॉलेज शेयर किया। इंशाल्लाह फिर एक और बहुत मज़े की कहानी के साथ कुरान पाक में से कुछ नई चीज़ें, कुछ मज़े की चीज़ें देखेंगे। मज़ा आ रहा है ना आपको कुरान क्लास में? कितनी आपको, आपने कभी सोचा था कि कुरान पाक में इस तरह की चीज़ों के भी नाम होते हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।